वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम CITS का एडमिशन की प्रोसेस देखेंगे। CITS का एडमिशन ओपन है और इसमें हम निम्मी ऑनलाइन एडमिशन के थ्रू वेबसाइट पर जाकर एडमिशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 8 अगस्त 2021 है, तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल करिए। सबसे पहले निम्मी ऑनलाइन एडमिशन पर जाना है। निम्मी ऑनलाइन एडमिशन पर जाने के बाद में कुछ इस तरह की वेबसाइट हमारे सामने खुलेगी। फर्स्ट लाइन में CITS 2021 रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक हियर दिख रहा है, इस पर जाना है। 2021 CITS रजिस्टर नाउ क्लिक हियर लिखा है, यहाँ पर जाकर हम इस प्रोसेस को आगे करेंगे। 8 तारीख को 5 बजे तक ये लिंक ओपन रहेगा, इसके बाद में ये लिंक क्लोज हो जाए। ये देखिए, मॉक टेस्ट जो है 9 से 16 अगस्त तक रखा गया है। इसके बाद में हॉल टिकट डाउनलोड की डेट 9 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में है। 20 से 21 अगस्त CBT एग्ज़ाम होने का डिसाइडेड है। 26 अगस्त इसका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा और इसके बाद में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग रखी जाएगी, जिसकी डेट यहाँ पर लिखी गई है। यह डेट टेंटेटिव है, चेंज हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले CITS रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद में अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो ऊपर लॉगिन डिटेल डालेंगे, नहीं तो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, जिससे कि आपके लिए एक फॉर्म खुलेगा, उसे फिल करना होगा। तो सबसे पहले फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फॉर्म में आपके एप्लीकेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, कैटेगरी, सारी डिटेल आपको यहां पर फिल करनी है और यह डिटेल आपको सही सही फिल करनी है। आइए देखते हैं, रजिस्टर्ड ईमेल डालने के बाद में इसे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले फॉर्म खुलेगा, इसमें आपका नेम और CITS का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा होगा और एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा है। ये देखिए, आपको आपकी डिटेल फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और CBT एग्ज़ाम इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। CBT एग्ज़ाम होने के बाद में क्या प्रोसेस होगी, आइए वो देखते हैं। CBT एग्ज़ाम होने के बाद में आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे, आपकी पूरी रैंकिंग आएगी, उस हिसाब से आपको 5 कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर 5 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं और कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में ये देखिए, यहाँ पर NSTI जोधपुर मिल चुका है फर्स्ट। इसी तरह से आपको पूरा प्रोसेस होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।